card game show. I know. Big Boss Abhi. Nahi shuru ho raha hai. TV wala Big Boss. Ye zindagi ka Big Boss shuru ho gaya hai. Sab ghar mein baithe hain. Lekin kuch log hain jo ke उल्लंघन कर रहे हैं। अब हाल ही में मैं यहां पर आया 2 दिन की छुट्टी के लिए और छुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सबकी। ये कोरोना COVID-19 ने सबकी छुट्टी कर दी। पहले ऐसा लगा कि फ्लू है खत्म हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉकडाउन। जब ये लॉकडाउन हुआ तो मामला बड़ा गंभीर बड़ा सीरियस हो गया क्योंकि यहाँ पे पूरा खानदान है पूरा परिवार है हमारी मम्मी है हमारी 2 बहनें हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटेड लोग आए थे जो कि अब जाके इस कोरोना वायरस COVID-19 के अंदर दोस्त बन गए। तो यहाँ पर हमने एक रूल बनाया कि यहाँ पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। राशन के लिए जाना पड़ता है। अब हमने कुछ वेजिटेबल्स के लिए हमारे एक बहुत ही अजीज करीबी दोस्त को 5-6 किलोमीटर राशन खरीदने के लिए। तो आजकल पुलिस का बहुत ज़्यादा ध्यान है जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो हम गए पुलिस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलिस वाले से बात करते हुए उन्होंने अपना मास्क निकाल लिया। तो पुलिस वाले काम से कि ये मास्क पहनो बोर्डो ये मास्क पहनो तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया। यहाँ पर आए उन्होंने ये कहानी बयान की और मैंने उनसे कहा कि ये जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वही आपने किया और रियायत बेवकूफ़ी की चीज़ की दिमाग से निकल गया है। सोचा कि बात कर रहा हूँ तो मुंह दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसको मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ वो मेरी बात गौर से सुने। किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुखदायक बात है स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन किसी पॉजिटिव पेशेंट के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाना एक उसका संयम खो देना होप खो देना तो उससे बुरी बात है। और जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसका दुख ना समझना वो एंटी ह्यूमन एंटी इंसानियत है। जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसके बाद ये समझ में आ जाती है कि हमने एहतियात नहीं रखा गलती हमसे हो गई। और जो नेगेटिव है और एहतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे ये गारंटी है और फिर अपने पूरे खानदान को ये बीमारी दे देंगे। खानदान से मोहल्ले को मोहल्ले से शहर को शहर से पूरे हिंदुस्तान को। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ सोशल गैदरिंग्स ना करो ठीक है दोस्त यारों से ना मिलो आइसोलेशन में रहो घर में रहो परिवार के साथ रहो परिवार के साथ बरकसार रहो। ये सब किसके लिए उनके लिए नहीं हम सब के लिए। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो पूजा पाठ करनी घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना अल्लाह के घर जाना है परिवार के साथ जाना है तो भाग मरना तो एक दिन सबको है लेकिन क्या कोई मरना चाहता है। ये यहाँ पर आके ये बात चेंज कैसे हो इंडिया के आवाम को इंडिया की आबादी को कम करना चाहते हो स्टार्टिंग विथ योर फैमिली तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उनके साथ शुरुआत करोगे। अब आप बताओ पुलिस का साथ देना गवर्नमेंट का साथ देना डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं। अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है करेक्ट है रॉन्ग है नेगेटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आपके एक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के खत्म हो गया होता और कोरोना वायरस भी।
से बाहर नहीं निकलते उसमें दोस्त यारों के साथ, तो पुलिस वाले आपके पुट्ठों पर डंडा नहीं मारते। आपको क्या लग रहा है उसमें कि पुलिस वालों को मजा आ रहा है? किसने रोका है आपको राशन लेने? जाओ ना, किसने रोका है? खाने पीने का सवाल है, जाओ और तुरंत आ जाओ, पास में जाओ। किसने रोका है? अकेले जाओ। गवर्नमेंट ने यह वादा किया है कि राशन पानी सबको मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस बैंक में काम कर रहे हैं, उनको करोड़ों वायरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा, लेकिन उनको देखो फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं, और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र, कुछ नहीं देखती। अभी पुलिस वालों की ड्यूटी है निभा रहे, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठे, और वो भी आप नहीं निभा रहे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे। जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया।